हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टेक्स रिसर्च में स्वागत है। मैं हूं ज्योति झा और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूं टेस्टिस के राइस कुकर की। दोस्तों, भारत जैसे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से राइस का सेवन किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चावल खाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोटी के साथ चावल खाते हैं। बंगाल जैसे राज्यों की तो कुछ बात ही अलग है, यहाँ पर दोनों टाइम तो सिर्फ चावल ही खाया जाता है। सो गाइस, बिगनर के लिए होती है बहुत ज़्यादा झंझट चावल बनाने में, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो कभी जल जाती है राइस। सो गाइस, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आ गया है हमारा इलेक्ट्रॉनिक राइस कुकर। सो गाइस, ये है प्रेस्टिज का राइस कुकर जिसका मॉडल नंबर है Q2.8-2। ये पूरे 8 लीटर का है जिसमें 7-8 लोगों के लिए आसानी से चावल बन सकता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या मिलता है। इसे बाहर निकालेंगे। भगवान, बहुत हैवी है ये। इसे हम रखेंगे थोड़ी देर साइड में। सो गाइज, ये है राइस कुकर। इसके साथ हमें मिलती है ये दो अलग से बर्तन। सो गाइज, ये रहा पहला बर्तन और ये रहा दूसरा बर्तन। और इसके साथ में मिलती है ये प्लेट। इसे कैसे यूज़ करते हैं ये मैं लास्ट में बताऊंगी। इसके साथ ही हमें दिया जाता है मेजरमेंट कप, चम्मच जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तार। और साथ ही हमें दिया जाता है ये वायर तार जिसकी लंबाई ठीक ठाक है। और इसके साथ में हमें मिलता है इसका ढक्कन जिसकी क्वालिटी ओके है। और साथ ही हमें मिलती है ये मेन्यू। इसके साथ ही हमें दी जाती है कुकिंग मेन्यू और साथ ही मिलती है यूज़र मेन्यू। इसमें हमें दी जाती है 1 साल की वारंटी। सो गाइस, प्रेस्टिज के राइस कुकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें चावल बनाना भी काफ़ी आसान है। मैंने 8 लीटर का ऑर्डर किया है, आप चाहे तो अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ ऐसा होता है। और इसके बाद हम ये बर्तन डालेंगे इसमें। इसमें ध्यान रखें कि इधर पानी लगा हुआ ना होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें ऐसे रखेंगे और फिर इस प्लेट को रखेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है दिस साइड अप, यानी ये साइड ऊपर रखना है। तो इस तरह से इसे रख देंगे। तो गाइस, ये है मेजर कप। चावल और पानी डालने के बाद इससे आपको ढक देना है। यहाँ जो आप 3 छेद देख रहे हैं, यहाँ से भाप बाहर निकल जाता है जिससे पानी बाहर नहीं निकलता। आप देख सकते हैं इसकी तार कुछ इतनी लंबी है। यहाँ पर कुछ इस तरह का बना हुआ है, यहाँ पर हम इसे इंसर्ट करेंगे और इसका दूसरा सिरा बोर्ड में लगा देंगे। सो गाइस, अब मैं देने वाली हूँ इसका रियल डेमो। सो गाइस, इसमें हमने अपने फैमिली के हिसाब से चावल डाल लिया है, इस कप से टोटल 5 कप। और 1 कप के हिसाब से हमें इसमें 2 और आधा कप पानी डालना है। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, 40, 80, 120, 160। तो आधे कप में हमें 80 लेयर तक डालना है। तो चलिए मैं फटाफट डाल लेती हूँ। तो सबसे पहले इस प्लेट को अंदर डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस साइड अप, यानी इसे ऊपर की ओर रखना है। अब हम इसमें डालेंगे चावल 11, 12, 12.5। तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे और अब हम इसे इससे ढक देंगे। अब हम इस तार को यहाँ पर लगा देंगे और आगे के प्लग को लाइन बोर्ड में लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एक ऑरेंज लाइट जल रही है। इसके बाद हमें नीचे का जो ये प्लग है इसे नीचे की ओर दबा देना है। अब आप देख सकते हैं इसमें कुक जो लिखा हुआ है, यानी रेड लाइट, वो अब जल रही है, यानी हमारा चावल अब बनना तैयार हो रहा है। जब ये बन जाएगा तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा।
सो गाइस आप ये देख ही सकते हैं कि ये कुछ ही देर में उबलना शुरू हो गया और यहाँ से आप देख सकते हैं भाप निकल रहा है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं ये जो लाइट अपने आप ही जली है, यानी चावल हो चुका है। तो अब हम इसका तार निकाल देंगे। तो अब हम इसे खोल कर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम थोड़ा भी पानी नहीं है, सब अच्छे से सिद्ध हो चुका है। इसे एक बार चम्मच से चलाकर देखेंगे। देख सकते हैं ये चावल अच्छे से सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों मैंने इसे ऑफलाइन 3000 रुपये में परचेस किया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर ऑनलाइन इसका प्राइस चेक कर सकते हैं और चाहे तो इसे ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू लाइक डू शेयर डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।